पर एक हेल्दी ऑप्शन में हम केक बनाना सीखेंगे जिसमें ना तो हम शक्कर यूज करेंगे ना ही मैदा यूज करेंगे और फिर भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आइए झटपट से हम ये क्रिसमस स्पेशल केक बनाना सीखें। नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। केक या क्रिसमस का जो केक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका हल्का मीठा कड़वापन और मसालों का तीखापन, क्योंकि सर्दी होती है तो उसमें हम जो मसाले यूज करते हैं उसके साथ इस तरीके के कड़वा जो टेस्ट आता है वो बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए हम ऑरेंज जेस्ट यूज करते हैं। तो ऑरेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का छिलका है इसका सिर्फ येलो येलो पार्ट हम हल्का हल्का रगड़ करके निकालेंगे। इसको बहुत ज्यादा तेज अंदर तक नहीं रगड़ना, बस घुमाते रहेंगे और हम तीखे जो कद्दूकस होगा उस पर हम इस तरीके से करेंगे। तो ये एक टीस्पून करीब हमें चाहिए, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये एक टीस्पून करीब हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं अलग। तो देखिए संतरा के ऊपर से रगड़ करके मैंने इसका जो छिलका है वो निकाल लिया और बाकी संतरा को मैं काट करके इसका रस निकाल लूंगी। तो हमें कम से कम आधा कप रस चाहिए, तो उस हिसाब से अगर संतरा आपका ज्यादा रसीला है तो दो संतरे में भी निकल सकता है। तो मैं इसको रस को निकाल करके आधा कप नाप लूंगी। तो इजीली नींबू की तरह हम बीच में से काट के इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये आराम से जूस निकल जाएगा। आप चाहें तो टेट्रा पैक वाला जूस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी संतरा काफी आ रहा है तो हम ओरिजिनली यूज करेंगे फ्रेश जूस। एक पैन में हम 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे। इसमें हम अपना निकला हुआ फ्रेश ऑरेंज जूस आधा कप डाल देंगे। हम फटाफट वाला बना रहे हैं, आपको 1 से 2 दिन भिगोने की जरूरत नहीं है ड्राई फ्रूट्स को, हाथों हाथ हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हम इसी जूस में हम 1 टेबल स्पून या आप थोड़ा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, काली किशमिश डाल दी, ये हरी किशमिश डाल दी, ये ब्राउन किशमिश डाल दी, तीनों 1-1 टेबल स्पून डाल दी। पीली 1 से 2 टेबल स्पून चेरी डाल दी, 1 टेबल स्पून ही हम लाल चेरी डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम कटी हुई बादाम डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हम कटी हुई अखरोट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम काजू डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जितनी हम कटी हुई फ्रोजन जो चेरी होती है जो केक डेकोरेशन में काम आती है वो वाली डाल दी, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का मेन चीज होती है जब ये फर्मेंटेड होते हैं तभी प्लम केक में टेस्ट आता है। तो हम इंस्टेंट बना रहे हैं, इस पर हम इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और पूरा जूस ये पी जाएंगे, पी करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे, इतना हमें इनको पकाना है। तो इनको होने देते हैं। उधर हमारे ड्राई फ्रूट्स हो रहे हैं धीमे धीमे, इधर हम दूसरे पैन में हम 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और आधा कप हम गुड़ डालेंगे। इसे हम मेल्ट करेंगे। ये गुड़ मेल्ट हो गया है हमारा, गैस बंद कर देते हैं और इसको हम छान लेते हैं ताकि गुड़ का अगर कोई कचरा होगा तो वो अलग हो जाएगा। तो इसको हम छान लेते हैं। देखिए सारा जूस हमारे इन ड्राई फ्रूट्स ने पी लिया है और ये सारी किशमिश वगैरह चेरी वगैरह पी करके काफी फूल गई है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। केक बनाने के लिए आज हम लोहे की कढ़ाई लेंगे, आप भी कोई भारी तले की कढ़ाई या भगोना ले सकते हैं। इसको हम प्री हीट करेंगे, तो इसमें हम नमक डाल देंगे, मेरा पहले का यूज किया हुआ नमक है। तो ये कम से कम 1 से 1.5 कप नमक है, इसको हम इस तरीके से फैला देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको ढक करके अच्छा सा प्री हीट होने देंगे। जब तक गर्म होता है नमक और कढ़ाई तब तक हम अपना केक का सारा दूसरा काम निपटाएंगे। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है कि इसको आप प्री हीट करेंगे। प्री हीट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका बेक होकर के तैयार होगा, स्पंजी बनेगा केक। तो हम पहले इसको चढ़ा देते हैं फिर दूसरा काम करेंगे। कढ़ाई को प्री हीट करने के बाद हम सेकेंड काम करेंगे, हमारा जो टीन है जिसमें हम अपना केक बेक करेंगे उसे तैयार करेंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा तेल इस तरीके से लगा लेंगे, तेल बटर जो भी है आपके पास उसको हम अच्छे से लगा लेते हैं। तो इसमें मैदे से डस्टिंग कर सकते हैं या फिर आप कोई भी पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा सकते हैं। तो इसमें मैं इको बेक पेपर लगा देती हूँ। मैंने ये 5 इंच का टीन लिया है, आप 6 का भी ले सकते हैं या आपके पास कोई भी दूसरा डिब्बा हो
वो लेंगे। तो मैं आज इसको थोड़ा ऊंचाई वाला बनाना चाहती हूँ, तो जो बटर पेपर या इको बेक पेपर है इसको मैं साइडों में भी लगाऊंगी ताकि इसकी ऊंचाई बढ़ा दूं। देखिए इस तरीके से मैंने ऊंचाई कर दी है, आप चाहें तो कोई लंबा स्टील का डिब्बा भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने स्टेपलर से राउंड वाला जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई में काट करके स्टेपल कर दिया, तो एक रिंग बन गई और रिंग को मैंने पहले लगा दिया और फिर अंदर जो कटा हुआ बटर पेपर है उसे हम लगा दिया। तो देखिए इसको अच्छे से सेट हो गया, ये हिल भी नहीं रहा, तो इसमें हमारा गोल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये जुगाड़ है, आप चाहें तो गहरा टीन भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप चौकोर भी बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो वो कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये टीन इस तरीके से तैयार हो गया। एक बड़े कटोरे में हम इस तरीके से छलनी लगा देंगे। इस छलनी पर हम नॉर्मल रोटी बनाने का जो आटा होता है गेहूं का वो 1 कप लेंगे। आज हम गेहूं के साथ बना रहे हैं इस रेसिपी को। इसमें हम कलर और अच्छा चॉकलेट वाला टेस्ट देने के लिए 2 टेबल स्पून हम कोको पाउडर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन क्रिसमस पर चॉकलेट सर्दी में अच्छी लगती है। 1 पिंच हम नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 टीस्पून लेवल किया हुआ बेकिंग पाउडर। गेहूं का आटा है इसलिए हम इसमें देखिए सोडे की मात्रा भी 1/2 टीस्पून रखी है, बेकिंग पाउडर भी हमने 1 टीस्पून रखा ताकि अच्छे से फुलाव ले। 1/4 टीस्पून हम दालचीनी पाउडर डालेंगे। ये सारे मसाले जरूरी हैं इस केक में। और 7 से 8 लौंग मैंने अच्छे से बारीक कूट लिए थे, इनको हम फ्रेश ही यूज करते हैं। अगर आप रेडीमेड पाउडर यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। और इनको हम छान लेंगे। इसी के साथ हम एक थोड़ा सा 1/8 टीस्पून जितना जायफल को घिस लेंगे, अभी इसी टाइम कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। इन सभी सूखी सामग्री को हम छान लेंगे। सूखे मिश्रण को अभी साइड में रख देते हैं। इस छने हुए गुड़ के मिश्रण में हम 1/4 कप तेल डालेंगे। हम 1/3 कप दही डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ को दही को तेल को। हम थोड़ा सा फ्रेश अदरक भी घिस लेंगे, आप चाहें तो सौंठ पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्दी है अभी इन दिनों काफी अच्छा अदरक आया हुआ है तो हम उसको यूज कर लें। और क्योंकि हम बिल्कुल घर के सामानों से सारी चीजें बना रहे हैं तो अगर आपके सौंठ पाउडर, वैसे लड्डुओं का सीजन है घर में रहता ही है, और नहीं है तो इस केक में हम गीला अदरक भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश अदरक। इसमें हम ऑरेंज के छिलकों का जो हमने घिस करके हिस्सा निकाला है उसे भी हम इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे, एकसार कर लेंगे। के साथ अदरक का, लौंग का, दालचीनी का, इन सब का जो मसालों का टेस्ट है वो भी अच्छा आता है। और देखिए कितना सुंदर कलर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अभी से। सूखे मिश्रण में हम इस मिश्रण को डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। इस केक का मिश्रण बहुत ज्यादा पतला नहीं होता है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसा नहीं होता है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए हमने इसमें अभी गुड़ का मिश्रण डाला है लेकिन अभी काफी ड्राई है, तो अब ये पहले हम फ्रूट्स डाल देते हैं इसमें। ये जो फ्रूट्स हमने ऑरेंज जूस में पकाए थे उनको थोड़ा सा हम अलग निकाल लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें मिला देंगे। अब इन सबको मिक्स करते हैं। इसमें हम 2 टेबल स्पून नॉर्मल दूध डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। हम एकदम से बहुत सारा दूध डाल करके इसको ढीला नहीं करना है, बस ड्राई फ्रूट्स पर सारे आटे की कोटिंग हो जाए। और ये देखिए चम्मच से हम आसानी से हिला पाए, तो अभी मैं इसमें 1 से 2 चम्मच दूध और डाल देती हूँ, फिर इसको मिक्स करते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है कि सारा जो ड्राई फ्रूट है वो कोटेड हो गया और चम्मच से हमारा मिश्रण देखिए इस तरीके से गिर रहा है। बस इतना ही हमें इसको पतला करना है, बहुत ज्यादा हमें इसको गीला नहीं करना है और न ही बहुत ज्यादा टाइट। आराम से देखिए हम चम्मच को चला रहे हैं तो ये चल रहा है और बहुत ज्यादा फेंटने की भी अभी इसको आवश्यकता नहीं है। और अब इसको फटाफट हम अपने मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड हमारा तैयार है, अब इसमें हम इसको डालेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब मोल्ड को हम थोड़ा सा टेप करेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे हमारे मिश्रण को।
अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे उससे हम इसको गार्निश कर देंगे। गहराई ज्यादा लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से काट दिया। हमने बचाए थे वो मैंने डाल दिए, उसके अलावा भी मैं और अलग से बिना भिगे हुए ड्राई फ्रूट्स इस पे डालूंगी। तो थोड़े से काजू डाल देती हूँ, थोड़ी सी अखरोट सेट कर देती हूँ, थोड़ी सी बादाम लगा लेती हूँ, एक चेरी लगा देती हूँ बीच में, थोड़ी सी कलरफुल चेरी स्प्रेड कर लेती हूँ इस पे। अब इसे मैं अपनी कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ। तो कढ़ाई हमारी देखिए बहुत अच्छे से प्री हीट हो गई है। अब बहुत ध्यान से हम कपड़े से ढक्कन को हटाएंगे। बस बेक करते वक्त हमें कपड़े का यूज करना है ताकि हाथ जल ना जाए। और इसमें बेकिंग के लिए हम एक रिंग या कोई भी कटोरी रख देंगे इस नमक के ऊपर, हमारा टीन रख देंगे, इसे हम ढकेंगे, इस पर हम थोड़ा सा कुछ वजन रख देंगे। तो ये ढक्कन परफेक्ट आ रहा था तो मैं इसको रख देती हूँ, और इस पर हल्का वजन रख के हम इसको मीडियम फ्लेम पर 45 से 50 मिनट तक होने देंगे और फिर हम चाकू से चेक करेंगे। गैस पर बहुत बढ़िया केक बन करके तैयार होता है तो इसको होने देते हैं। अब हम केक चेक कर लेंगे, 50 मिनट हो गए हैं, बीच में भी हमने एक बार चेक कर लिया था, तो हम लकड़ी डाल करके चेक कर लेंगे। बिल्कुल साफ आई है, इसका मतलब हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम या रेक पे या किसी भी प्लेट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए हम साइड से चाकू से हिला लेंगे इसको ताकि इसकी किनारे छूट जाएं। तो देखिए हमारा केक जो है कितना हाइट वाला बना है, काफी अच्छी हाइट दी है। हाइट से भी इसकी टेस्ट और खुशबू में फर्क पड़ता है। तो देखिए अब इसको हम वापस सीधा कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा, टेस्टी भी बहुत है। और इसको मैं अब क्रिसमस पे एंजॉय करने वाली हूँ। तो हमारा क्रिसमस स्पेशल केक बनकर के तैयार है। आप इसको एंजॉय जरूर करें और इस रेसिपी को इस क्रिसमस पर एक बार बनाकर जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।